यू हैव टू फाइंड इन फर्स्ट पार्ट टेन थीटा, सेकेंड पार्ट में सीकेंट थीटा प्लस कॉसिकेंट थीटा। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन जी। फिर उसके बाद मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ जिन्होंने किया है नहीं किया। सेक्शन एफ क्या प्रॉब्लम है बेटा? सेक्शन एफ व्हाई यू आर स्टैंडिंग? हाँ जी बच्चों, हो गया क्वेश्चन सिक्स का फर्स्ट पार्ट। हाँ जी, समझ नहीं आ रहा बच्चों? बेटा आर यू डूइंग इट और नॉट? डूइंग चलिए करिए, फटाफट फिनिश कीजिए इसको। हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट का नहीं हुआ अभी तक फर्स्ट पार्ट, किसी भी बच्चे का नहीं हुआ अभी तक जी। बेटा फर्स्ट पार्ट, हाँ 30 डिग्री। जी, एक स्टूडेंट सेक्शन ई में है। आ जाइए बच्चे, माइक पे आ जाइए, बताएंगे जरा आप। हाँ जी बेटा, फर्स्ट पार्ट में क्या किया आपने? सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड बेस एंड देन वी विल फाइंड थीटा इज इक्वल व्हाट इज द नेम ऑफ द बेस? AD। AD। वेरी गुड। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको AC गिवन है, CD गिवन है। फर्स्ट यू बेटा बेटा, एक मिनट खड़े रहिए, खड़े रहिए, जाइए मत। हाँ जी, AD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी?
हाँ जी, नहीं आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा। हाँ सर, आप ठीक है, बोलिए। नहीं आवाज नहीं आ रही आपकी। पहले बहुत अच्छी आ रही थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही आपकी आवाज। हाँ जी, 3√3/2। 3√3/2। और किसी स्टूडेंट ने किया है? सेक्शन ई से एक स्टूडेंट थे, आपका सेम आया है बच्चे? इफ यस रेज योर हैंड। ठीक है जी, और कोई? चलिए तो यहां से आपके पास टेन थीटा आ जाएगा, राइट? यस ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, तो यू कैन वेरी इजीली फाइंड सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। तो जल्दी से फिनिश कीजिए बच्चों ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट जी। किन स्टूडेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ प्लीज रेज योर हैंड। जिन स्टूडेंट्स का अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ प्लीज रेज योर हैंड। एक दो, काफी बच्चे हैं जी। अरे इधर डी सेक्शन, ई, ए और एफ, सब सब स्टूडेंट्स का हो गया है। शैल आई चेक द नोटबुक्स? जिन स्टूडेंट्स का बेटा फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ है प्लीज रेज योर हैंड्स। देखिए बच्चों, जिनका फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ कैसे करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है जी। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए सी, द लेंथ ऑफ ए सी इज 1.5 मीटर एंड लेंथ ऑफ सी डी इज 3 मीटर। तो सबसे पहले आपको साइड फाइंड आउट करनी है एडी। एडी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? पाइथागोरस से जी। AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहां तक सबको क्लियर है? CD स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं बच्चों। तो दिस विल बिकम 9 - 9/4, दैट इज AD स्क्वायर। और AD कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, राइट? सो यू आर लेफ्ट विथ 27/27 में स्क्वायर रूट है, 4 था नीचे तो बच्चे 2 आ गया। एंड दिस कैन बी रिटन एज, इज इट क्लियर? तो ये आपके पास एडी की लेंथ आ गई। नाउ दिस इज एंगल, एंगल के अपोजिट वाली साइड विल बी परपेंडिकुलर और ये साथ वाली साइड आपके पास बेस बन जाएगी जी। इज इट क्लियर बच्चों? जिन लोगों ने नहीं किया था उनको क्लियर है या नहीं है? वही दो चार बच्चे जो कर रहे हैं वही बोल रहे हैं, बाकी जो नहीं कर रहे हैं वो बोल भी नहीं रहे हैं। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। बच्चों आप लोगों के लिए मेनली क्लास है ये, राइट? एंड यू आर नॉट रेडी टू लर्न। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे बच्चे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, नहीं समझ आएगा आपको, राइट? सो अब आपको टेन थीटा निकालना है फर्स्ट पार्ट में बच्चों। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है आपके पास? 3/2 एंड दिस इज इट क्लियर बच्चों? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, सो दिस कम्स आउट टू बी 1/√3 आ गई टेन थीटा। नाउ यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके साथ। एक क्वेश्चन और क्या बन सकता है बच्चे? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट इज द एंगल नाउ? विल यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द एंगल? 30 डिग्री। डिग्री। देखिए अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया आपके लिए। आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। अब सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट को करने के लिए आप इस थीटा को यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है आपको, राइट?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट 30 डिग्री? सीकेंट 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? रूट 3/2, सीकेंट 30 की 2/√3, 2/√3, और कोसिकेंट 30 की व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 30? 2। अब ये आपके पास आंसर आ गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट? या आप ऐसे भी कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आपके पास थीटा है तो यहां से तीनों साइड्स गिवन है, आप सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, कोसिकेंट थीटा आपके पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, व्हाट इज कोसिकेंट थीटा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय पेंडिकुलर, पेंडिकुलर। व्हाट इज सीकेंट थीटा? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, यस, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को? चलिए नोट कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया बच्चे, फटाफट। और बाकी स्टूडेंट 7th क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, प्लीज स्टार्ट द 7th क्वेश्चन। अच्छा तो है ना, हो गया बच्चों नोट डाउन? यस स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन। ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टाफ ऑफ हाइट 5 मीटर। डायग्राम आपको गिवन है, सीडी आपका फ्लैग स्टाफ हो गया, एसी इज टावर, वर्टिकल टावर, राइट? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एंड बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 600 एंड 300 रिस्पेक्टिवली। ये 600 और 300 के प्लेस पे इट विल बी 60 डिग्री एंड 30 डिग्री बच्चों, राइट? कैन यू हियर मी? तो प्लीज मेक दिस करेक्शन, इट इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री एज शोन इन द डायग्राम। फ्रॉम द हाइट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द टावर। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है बच्चे? एसी एज वेल एज एबी, राइट? आपके हेल्प के लिए डायग्राम गिवन है, तो वेरी इजीली यू कैन डू दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? प्लीज जल्दी से कीजिए। यहाँ पे आपको √3 की वैल्यू गिवन है, मींस आंसर आपको फाइंड आउट करना है डेसिमल्स में। हाँ जी, हो गया स्टूडेंट्स?
बच्चों हो गया? एनी स्टूडेंट्स हु हैज फिनिश्ड द क्वेश्चन? नो वन? यस सर। हाँ जी, कहाँ, कौन से सेक्शन से है? रेज योर हैंड। सर 10th। हाँ जी बच्चे, हो गया? यस सर। ठीक है बच्चे, और किस किस का हो गया जी? बाकी बच्चे फटाफट से फिनिश कीजिए जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में सबसे मुश्किल काम होता है डायग्राम ड्रॉ करना, बट यहाँ पे तो डायग्राम ऑलरेडी गिवन है, तो आपका तो जॉब वैसे ही इजी हो गया है। ठीक है, अब सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, वो कर दो फटाफट से। हाँ जी, आप किस किस बच्चों ने कर लिया बच्चे? और किसी ने किया है या नहीं किया जी? अभी तक एक ही बच्चा है। सेक्शन डी से कुछ बच्चों ने किया था पहले, एफ से। स्टूडेंट्स यू रिक्वायर मोर टाइम और शैल आई एक्सप्लेन इट? हाँ जी बोलिए बच्चों। टीचर कुड यू प्लीज हेल्प मी, जस्ट चेक वेदर द स्टूडेंट्स आर डूइंग और आई नीड टू एक्सप्लेन इट। प्लीज प्लीज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। ओके, हाउ मेनी वांट, इज इट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन बच्चों? सी दिस इज, इज इट क्लियर जी? दिस इज एच, दिस इज एक्स, दिस फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर हाई, 5 मीटर। हाँ जी, डायग्राम क्लियर है बच्चों आप लोगों को? इज डायग्राम क्लियर? तो बड़ा ही सिंपल सी चीज थी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द ट्रायंगल सी बी डी। सी बी डी, टेन थर्टी विल बी इक्वल टू, एच अपॉन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थर्टी? सो एक्स विल बी इक्वल टू, बेटा देखिए यहाँ पे क्या होता है, देर आर टू वेरिएबल्स। कौन कौन से वेरिएबल्स हैं? एच एंड एक्स, ठीक है, जो हमें नहीं पता है। नाउ व्हाट विल डू, विल एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स। जैसे आप लीनियर इक्वेशन में करते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे और दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे दो इक्वेशन से। राइट, नाउ व्हाट विल बी द सेकेंड इक्वेशन? फॉर दैट यू टेक द ट्रायंगल ए बी डी। आपने ट्रायंगल ए बी डी लिया, नाउ व्हाट इज द एंगल? व्हाट इज द एंगल नाउ? 60 डिग्री। बच्चे इस ट्रायंगल में ए बी डी, दिस इज द एंगल बिगर वन, दैट इज 60 डिग्री। 60 डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे? ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस एंड बी डी इज सेम एक्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन 60 डिग्री? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया बच्चों, यहां तो कोई डाउट? हेलो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन।
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री एच। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू रूट थ्री एच पुट कर दें तो वील हैव वन इक्वेशन इन h ओनली, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम वन इन इक्वेशन टू। ठीक है जी, सो व्हाट इट बिकम्स, रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच इज इक्वल टू एच प्लस फाइव, रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच, व्हाट इट विल बिकम, टेक दिस एच ऑन द लेफ्ट साइड, सो वी हैव गॉट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, 5/2, दैट इज 2.5 मीटर। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑल्सो, वट विल बी एक्स, रूट थ्री इंटू एच, रूट थ्री इंटू 5/2, वट इज द वैल्यू ऑफ रूट थ्री गिवन, 1.732। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, 2.330 मीटर। ठीक है जी, कोई डाउट यहाँ तक, हेलो एनीथिंग नॉट क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो प्लीज टेल मी बच्चों। चलिए नोट कीजिए फटाफट से, मुश्किल था क्वेश्चन बच्चों ये। हाँ जी, आप लोगों ने किया नहीं है, इट वॉज ए वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। आपको अर्लियर क्या होता था, जो अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे दो पार्ट होते थे और यहाँ पे हाइट सेम होती थी, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया और कुछ नहीं फर्क है, कॉन्सेप्ट सेम है। आपको दो ट्रायंगल्स लेने हैं, दोनों में टेन थीटा अप्लाई करना है, कॉन्सेप्ट इज ऑल टूगेदर सेम। नोट कीजिए फटाफट से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। Shall I clean it? हाँ जी, वेट करना है, ये वाला पार्ट जल्दी से चलो फिनिश करो। हो गया बच्चों? I think all of you have done it. Next question पे आ जाते हैं बच्चों, 8th question पे। The boy standing on a ground plane finds, ये question हमने पहले भी किया है अगर आप लोगों को याद होगा। Yes. ये फटाफट कीजिए जरा। इसका डायग्राम भी बना के दिखाया था कुछ बच्चों ने ना मुझे। Thank you.
हाँ जी बच्चों डन। यस स्टूडेंट्स, बच्चों हो गया क्वेश्चन आपका। हाँ जी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 3 और किसी सेक्शन, ओनली सी सेक्शन से दो तीन बच्चों ने किया, ई से एक बच्चे ने किया है, डी ए एफ कोई स्टूडेंट नहीं है। हाँ जी डी सेक्शन, ए सेक्शन, व्हाई यू आर नॉट डूइंग बच्चे? ये तो क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है हमने, रिपीट ही है क्वेश्चन ये तो। फटाफट से फिनिश करो जी। अमानत फ्रॉम सेक्शन 10C, हु इज अमानत? हाँ जी बच्चे हो गया क्वेश्चन आपका, I am doing that question. प्लीज कैन यू शो मी द डायग्राम जो आपने बनाया अभी अभी तक क्या किया आपने, प्लीज शो मी योर नोटबुक। अपनी नोटबुक दिखानी है बेटा, जो आप लेके आए थे वो आपकी नहीं है, जो आप लेके आए थे। हाँ जी दिखाइए बेटा क्या किया आपने। डायग्राम तो आपने ठीक बनाया है, आगे कुछ नहीं किया, लेकिन डायग्राम के बाद कुछ नहीं किया बेटा आपने। बोलिए डू इट फास्ट बेटा, इतना टाइम नहीं लगाना है कि क्वेश्चन में। हाँ जी देन रूबी 10B, हाँ जी बच्चे डन। सर दिखाएंगे जरा आपने क्या किया नोटबुक अपने। बेटा आगे किया तो है आपने, विजिबल नहीं है मुझे, आपका आंसर आ गया। यस सर ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ जी देन ईशा 10B, ईशा इज देयर? शी इज एब्सेंट। इज एब्सेंट। जशन, जशन इज आल्सो एब्सेंट। जशन 10B, एब्सेंट हाँ जी अनामिका 10A, बाकी लोग जल्दी से फिनिश करो, किसी का भी नंबर आ जाएगा। अनामिका प्लीज कम टू द माइक। हाँ जी बच्चे डन। सर अभी हुआ नहीं। क्या किया आपने, नोटबुक भी नहीं लेके आए आप तो। हाँ जी दिखाइए जरा क्या किया आपने अभी तक। टीचर प्लीज हेल्प मी जस्ट चेक वेदर शी हैज डन इट और नॉट। सर बना नहीं। अभी आप बोल रहे हो मुझे बेटा मैं कर रही हूँ,
अभी कह रहे हो बनानी है जब टीचर ने आपकी नोटबुक चेक की है। कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया, प्लीज रेज योर हैंड, सिट डाउन। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ आया प्लीज रेज योर हैंड, डोंट वेस्ट टाइम। बाकी सब बच्चों ने डायग्राम बना लिया है? टीचर प्लीज चेक द नोटबुक्स। वी हैव डन द क्वेश्चन, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स हैव डन द क्वेश्चंस। आई कांट फाइंड एनी टीचर इन सेक्शन सी। हाँ जी टीचर, आर दे डूइंग और जस्ट टाइम पास? So some of them have done. Some of them have done. Okay. बच्चे जिन लोगों को नहीं क्लियर है प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी देख लिया बेटा मैंने, ठीक है डायग्राम ठीक है, आगे कुछ नहीं किया। लेकिन देखिए जी क्या करना है, इस क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ए बॉय स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। देयर इज ए बॉय, ही इज स्टैंडिंग हियर, सो ही फाइंड्स ए बर्ड फ्लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। दिस इज द पोजिशन ऑफ बर्ड, राइट? अच्छा 100 मीटर फ्रॉम हिम एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। दिस एलिवेशन मीन्स दिस एंगल इज 30 डिग्री। ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45। मीन्स ए गर्ल इज सिटिंग ऑन ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड द एलिवेशन ऑफ दिस टू बी 45 डिग्री, राइट बच्चो? द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। मीन्स आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दिस डिस्टेंस, राइट बच्चो? कैसे करेंगे जी देखिए, लेट दिस पॉइंट इज ए बी सी डी, इज इट क्लियर जी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल लेना है ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल लेके एसी की लेंथ फाइंड आउट करनी है जी। इन ट्रायंगल एसीबी, राइट, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एसी अपॉन, इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? यस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? 1/2. 1/2. What is the value of AB? AC. What is the value of AB? 100. So AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 50 meter. 50 meters, right? Now AC is 50 meter. So CF की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30 meter. CF. 20 meters. बच्चे दिस इज 20, AF विल बी 30, राइट? नाउ AF इज गिवन 30 इन ट्रायंगल। अब आपने ट्रायंगल लेना AFE, राइट? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे आप बेटा? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द रिलेशन? साइन थीटा। साइन थीटा, सो दिस विल बी साइन 45 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री बच्चों? साइन 45 इज 1/√2. 1/√2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों,
रूट टू की वैल्यू गिवन है कितनी, राइट? इसको मल्टीप्लाई कर दिया जी, कितना आ जाएगा? 42.3 मीटर। 42.3 मीटर। 42.3 कैसे आ रहा है बच्चों? 30। 42.42 नहीं आ रहा है? सर नो, द वैल्यू इज गिवन 1.41। 41 है? यस। अच्छा वहां 4 नहीं है आगे, ठीक है जी। सो देन द वैल्यू विल बी, ठीक है। सो ये दोनों वैल्यूज निकालनी थी अपने को, क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? यस। एनी डाउट्स? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्टेड, ठीक यस। है। ओके जी, थैंक यू।